हेलो फ्रेंड्स, मैं रीमा असम से। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बर्ड नेस्ट फर्न। तो देखिए, ये है बर्ड नेस्ट फर्न। देखिए कितनी सुंदर लगता है ना ये मुझे मिला एक दिन जब मैं मॉर्निंग वॉक पे निकली थी, तब एक पेड़ पर देख के तब मुझे इसका नाम नहीं पता था। तो मैंने एक दिन उसे वहां से लेकर आया तो गमले में लगा दिया। एक लगाने के बाद अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ छोटे छोटे पॉट में, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कैसे फैला हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। ये इसे मॉइस्ट बहुत पसंद है, जितना मॉइस्ट मिलेगा वही उतना ही ग्रो होगा। इसलिए मैं इसे लगाते वक्त कोकोपीट का भी यूज किया, तो अभी अच्छा चल रहा है। ये पेड़ों में मिलता है, और अगर कहीं जहाँ मॉस उगता है, कहीं पुराने वाल वगैरह में भी मिल जाता है, तब इसको लाइएगा और ऐसे पॉट में लगा दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ये एक छोटे से पॉट में लगाया है। ये देखिए, ये पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा पॉट में लगाया है, फिर भी अच्छा ग्रो हो कर रहा है। और ऊपर मैंने यहाँ एक लगाया है एकदम छोटे से पॉट में, तो ये छोटा होकर ही ग्रो कर रहा है, नया लीव्स भी निकल रहा है और छोटा करके ही ग्रो कर रहा है। इसको मैं ऊपर ऐसे रख दिया। यहाँ एक हैंगिंग प्लांट है लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता है। और यहाँ एक बार्ड भी सजा दिया है। और तीन पॉट में मेरा ये देखिए इधर भी लगा दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉट नहीं है, बड़ा पॉट नहीं है, ये नया लगाया है इसलिए ज़्यादा अभी ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद हो जाएगा। ये गमले में लगा दिया है। ये देखिए, ये बहुत फैल गया है, ये बहुत बड़ा हो गया है। ये भी एक लगाया है मिट्टी के पॉट में। बर्ड नेस्ट फैन क्यों कहते हैं, जैसे बर्ड नेस्ट बनाता है ना, वैसे ही ये चारों तरफ से फैल जाता है, बीच में जगह बना रहता है, इसलिए शायद इसका नाम बर्ड नेस्ट फैन है। मुझे इतना नहीं पता, फिर भी मैंने आइडिया की है। ये देखिए, ऐसे लाइन करके मैंने लगाया है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आप इसे पैर में भी लगा सकते हो, जैसे इसका छोटा भाग करके आप गोबर होता है ना, गोबर और मिट्टी का एक घोल टाइट करके बना के आप किसी भी कपड़े से उसे पैरों में लगा दीजिएगा तो अच्छा ग्रो करेगा उधर भी, लेकिन पॉट में ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने पॉट में ही लगाया है। देखिए इसमें धूल जम जाता है पत्तों पर, अगर आप बीच बीच में इसको साफ करते रहिएगा, अगर आप लगा दिया है अपने घरों में तो बहुत अच्छा लगता है। इसका पत्ते की कलर बहुत अच्छा है तो वो चमकता रहता है, लेकिन धूल जम जाने से उसकी खूबसूरती खराब हो जाता है। तो आज का वीडियो में इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। एक बार फिर से मैं अपना बात आप लोगों को दिखाऊंगी।
इसके बारे में तो बोलना भूल ही गई, इसलिए फिर से बाय बाय कह के भी आई हूँ। ये देखिए कोकोनट छेल से बनाया है ये, इसमें कोकोनट फाइबर चिपका दिया है गम से, और इसके बीच में भी कोकोनट फाइबर रख दिया है, और ये बाट को बैठा दिया है। तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को। आज के वीडियो में इतना ही था, बाय बाय।